मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइंस द्वारा बनाया गया आधिकारिक वीडियो कोविड मंत्र जारी किया है। वीडियो में संगीत से लेकर गायन सब कुछ पुलिस जवानों द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह म्यूजिकल वीडियो कोविड 19 मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक सिद्ध होगा और प्रदेशवासियों को कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन जीने का तरीका सिखाया, कोरोना ने डराया, कोरोना ने डराया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। वहीं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा स्वयं निर्मित इस वीडियो को लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया है। उन्हें कहा कि यह म्यूजिकल वीडियो प्रदेशवासियों को कोविड 19 से बचाव को लेकर हर स्तर पर एहतियात और सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा है जिसको हम हार्मनी ऑफ द पाइंस बोलते हैं, जिसमें हमारे खुद के लड़के लड़कियाँ हैं, कोई एक्सटर्नल लोग नहीं है। और पिछले एक दो साल में हमने बड़े अच्छे सिंगर्स रिक्रूट किए और हमने अपने म्यूजिशियंस भी रिक्रूट किए और ऑर्केस्ट्रा को हमने अपग्रेड किया पिछले एक साल में। और मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनको अच्छा इक्विपमेंट जो है म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह वो भी सरकार ने फंड्स प्रोवाइड किए जिसको हमने प्रोक्योर कर लिया है। और जैसे कोक स्टूडियो है, जैसे आप MTV पे देखते हो कोक स्टूडियो, उस टाइप का हमने स्टूडियो बनाया जिसमें उसी टाइप की रिकॉर्डिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है वो है। और हम समय समय पर सोशली रेलेवेंट जो है वीडियोस बनाते रहते हैं। और जब कोरोना का सेकंड फेज़ आया, आपने देखा ये फेज़ बहुत ज़्यादा वायरुलेंट था और इसमें कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ा और डेथ्स भी काफ़ी हुई, तो हमने ये सोचा कोरोना के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो अपना मैसेज सिंपल और क्लियर वर्ड्स में लोगों तक पहुंचाए, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। और ये बड़ी खुशी है मेरे को कि वीडियो बड़ा इफेक्टिव बना है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको लॉन्च में आशीर्वाद मिला। और जब से ये निकला है तो मेरे को लगता है इसके तो मिलियन शेयर्स हो गए, सडनली बहुत बड़ा हिट हो गया। और इसमें लिरिक्स भी अच्छे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है, इसका डायरेक्शन भी अच्छा है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। और ना केवल ये पुलिस के बारे में बताता है, ये सारे कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स का रोल अक्नॉलेज करने के लिए भी कहता है। दूसरा है कि इसको कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, कोविड वैक्सीन लेना चाहिए, योगा करना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ ये एक संदेश देता है कि कोई मायूसगी की कोई बात नहीं है और जल्दी अपनी जीवन जो है हमारी पटरी पे आएगी और दोबारा हम जैसे पहले थे वैसे होंगे, लेकिन ऐसा है कि सावधानी की ज़रूरत है। और जो लिरिक्स के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू और जो इस प्रोडक्शन के थ्रू बड़ा एक सिंपल और लूसिड सा हमने मैसेज दिया है और हमने जितने कोरोना वॉरियर्स है उनका रोल इसमें एक्नॉलेज किया है। गौर हो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ इस जंग में लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करने के लिए हिमाचल पुलिस की नई पहल निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमको तो ये कुदरत का कहर लगता है, इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की साहेब के इंसान को अब इंसान से डर लगता है, कि इंसान को अब इंसान से ही डर लगता है।